Hey guys, welcome or welcome back to my channel Style by Deepika. Hope you are doing great. So guys, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत ही जल्दी अपनी इयरिंग्स कलेक्शन आपके साथ में शेयर करूंगी, जो कि फंकी इयरिंग्स होने वाले हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. और आज मैंने एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी वियर की है और एक बहुत ही प्यारे से ब्लाउज के साथ में. तो गाइज, अगर आप देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जाकर मैंने बहुत सारे रील वीडियो वहां पर डाल दी है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, फुल लुक भी देख सकते हो, वीडियोज कैसी है वो भी आप बता सकते हो. तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, आई हैव टू बॉक्सेस ऑफ द इयरिंग्स जिसमें कि फंकी है, तो मैं जितना ज्यादा हो सकता है जल्दी दिखाऊंगी जिससे कि वीडियो लंबी नहीं होगी और मैं आपको अच्छे से सारा कलेक्शन भी अपना दिखा दूंगी. तो फर्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये इयरिंग है. दिस इज द फर्स्ट पेयर जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ. बहुत खूबसूरत है इस तरीके से और इस ड्रेस पर अच्छा लगता है. मुझे आज कैरी करना चाहिए था बट कोई बात नहीं, अच्छा है गाइज. तो बहुत ही प्यारा सा इयरिंग है जो आप देख सकते हो. नेक्स्ट आई हैव गाइज, नेक्स्ट आई हैव दिस वन. दिस इज वेरी प्रिटी, लॉन्गेस्ट एंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा है जिसमें इस तरीके का वर्क हो रहा है जो कि बहुत ज्यादा प्रिटी है. ये फंकी ज्वेलरी होती है जो आप जींस पर, टॉप पर कैरी कर सकते हो इजीली और बहुत अच्छी लगती है, और साड़ी पर भी अगर आप कैरी करोगे तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है. सो गाइज, दिस इज द थर्ड इयरिंग जो इस तरीके से है और ये भी बहुत प्यारा लगता है. इसका एक पेयर इसमें लगा हुआ है और दिस इज द इयरिंग, बहुत खूबसूरत है. सो गाइज, नेक्स्ट आई हैव दिस वन जिसमें लिखा हुआ है इस तरीके से हो. इस तरीके का इयरिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पर है ना, इसमें पर्ल्स का काम हो रहा है. आपको क्लियरली देखोगे कि पर्ल्स का काम है और ये मुझे बहुत पसंद है. जैसे आपका कुछ इस तरीके का आउटफिट हो ना, मतलब वो वाइब दे या फिर थोड़ा सा फंकी का हो, तो उस पर ये बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं. दिस इज द इयरिंग एंड इसका ये पेयर मेरे साथ में है, तो दिस वन इज गुड. सो गाइज, नेक्स्ट आई हैव दिस वन जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था पीच कलर का, उसका सेम पेयर है. ये व्हाइट कलर है और वो पीच कलर का है और इस पर मैं आपको पास से दिखाऊं तो इस पर ना एक जूट का सा काम हो रहा है, धागे का बना हुआ, जो कि इस इयरिंग को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाता है एंड ये बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है, तो दिस वन आई हैव. गाइज, नेक्स्ट आई हैव दिस वन. और ये जो मैंने पेयर खरीदा था, ये मैंने खरीदा था कि मैंने सोचा था कि कभी क्रिसमस वगैरह पे ये काम आ जाएगा और बट मैंने इसको कभी कैरी ही नहीं किया है इस तरीके का. इसमें बहुत ही ज्यादा प्रिटी सा है और इसमें मोतियों का काम हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है. गाइज, नेक्स्ट आई हैव दिस वन इयरिंग जो कि बहुत प्यारा है. इसमें थ्रेड वर्क हो रहा है और नीचे इसमें पर्ल्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो नीचे पर्ल्स है इस तरीके से और एक थ्रेड का है और ये बहुत ही प्यारा कलर है, नियॉन कलर, तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है लाइक दिस. गाइज, नेक्स्ट आई हैव दिस वन जो कि येलो कलर का है एंड ये प्लास्टिक में है, ये प्लास्टिक में बना हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है. और ये इतना जैसे बीच वगैरह पर आपके पास कोई येल्लो सी ड्रेस हो तो उस पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा एंड दिस पीस इज वेरी गुड. नेक्स्ट आई हैव दिस वन इयरिंग, बहुत ज्यादा खूबसूरत सा ग्रीन कलर का, मेहंदी कलर का है और ये भी बहुत प्यारा लगता है और काफी अच्छा लुक देता है ये भी. एंड ये आपने गाइज देखा ही होगा ये वाला इयरिंग जो कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने लास्ट वीडियो में पहना हुआ था, तो ये बहुत ज्यादा प्यारा लगता है. यहाँ पर एक स्टोन लगा है और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है. चलो इसे पहन ही लेती हूँ. एंड गाइज, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो फंकी ज्वेलरी कलेक्शन है उसका वीडियो अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पर. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो. जिसने देखा है जाकर चेकआउट कर सकते हैं. आई हैव दिस वन गाइज जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है. इसमें भी पर्ल्स का काम हो रहा है, ये भी बहुत प्यारा है. अगर आपके पास कुछ स्काई ब्लू कलर की ड्रेस होती है उस पर ये पीच की, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा पीस लगता है. एंड ये जो है पर्ल्स वर्क है, मोतियों का वर्क हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा प्यारा सा लगता है. नेक्स्ट आई हैव गाइज दिस वन इयरिंग जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब राउंड शेप में है और बहुत ज्यादा प्यारा सा है एंड यूनिक सा है, अच्छा लगता है. नेक्स्ट आई हैव द सेम द पीस जो कि मैंने अभी आपको स्काई ब्लू कलर का दिखाया था, उसका ये कलरफुल पीस है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है. एंड ये वाले जो पीस आते हैं ना, ये बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं. एंड गाइज, जितने भी मैंने जो इयरिंग्स खरीदे हैं ये फंकी ज्वेलरी, जितनी भी मेरे पास है सारी ऑफलाइन है. तो गाइज, मैंने कोई भी ना ऑनलाइन परचेज नहीं किया है, तो इसका लिंक आपको किसी का भी मैं नहीं दे पाऊंगी, आई एम रियली सॉरी. बट यस, मैं आपको जस्ट एक आइडिया लग सकता है कि कैसा मेरे पास कलेक्शन है, कैसे आप कैरी कर सकते हो, तो वो सारी चीजों के लिए मैंने शेयर किया है. और इस तरीके का एक मेरे पास पेयर है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, बट ये थोड़ा सा बड़ा है. जिसको अगर इस तरीके के बड़े बड़े हुक्स पसंद होते हैं तो वो पहन सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है. इस तरीके का गाइज एक पेयर है.
नेक्स्ट आई हैव दिस वन पेयर ऑफ द इयर रिंग्स जो कि गोल्डन कलर का है एंड ये मतलब जैसे हैंडवर्क होता है ना उस तरीके का बना हुआ है गाइस, जिसमें कि नीचे इस तरीके का है और बीच में इस तरीके का वर्क हो रहा है जो कि बहुत खूबसूरत है. नेक्स्ट एंड द लास्ट आई हैव दिस वन गाइस जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है. देख सकते हो इस तरीके का ये पेयर है जो कि छोटा सा क्यूट सा पेयर है तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, सिंपल एंड सोबर. सो गाइस ये था एक बहुत छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको आई थिंक 15 पेयर्स जो है इयररिंग्स के वो दिखाए थे. थोड़ा सा वीडियो जल्दी जल्दी में मैंने आपको दिखाया है कि जस्ट कि आपको एक कलेक्शन वीडियो है. तो आपको गाइस ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर बताइए. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो थैंक यू सो मच गाइज, इस वीडियो को शेयर करो और जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करो, मे बी ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो. एंड दिस इज माई छोटू सा प्यारा सा वीडियो ऑफ द कलेक्शन ऑफ द इयररिंग्स. सो गाइज थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे जल्दी एक प्यारी सी इनोवेटिव वीडियो के साथ. तब तक के लिए गाइज टिल देन बाय बाय.